हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ड ड्राइव क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे ख्याल से वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हार्ड ड्राइव क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका मेन मोटिव ये रहता है कि बिना पावर सोर्स के भी डेटा इसी ड्राइव में रहे, डिलीट ना हो। मतलब कि जब हम लोग अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप शट डाउन कर देते हैं तब भी वो डेटा वहीं पर मौजूद रहे, डिलीट ना हो। साथ ही साथ हम जब चाहें अपने डेटा को एक्सेस कर सकें और जब चाहे अपने डेटा को ट्रांसफ़र या मूव भी कर सकें। हार्ड डिस्क को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरेज कम प्राइस में अवेलेबल होती है। इसीलिए आज भी जब भी हम लोग बजट लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें प्राइमरी स्टोरेज हमें हार्ड ड्राइव ही मिलता है, और तब तक मिलता रहेगा जब तक फ्लैश स्टोरेज की प्राइसेस और कम नहीं हो जाती। तो अब चलते दूसरे सवाल की ओर। आखिर हमारे डेटा को हार्ड ड्राइव किस फॉर्मेट में सेव करती है? देखिए, ये तो हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, इंग्लिश हिंदी ये सब कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है बाइनरी फॉर्मेट को, यानी जीरो या वन। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, अगर हमारा कंप्यूटर उसे समझने की कोशिश करेगा या उसे फेच करता है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में ही करता है, बेसिकली जीरो या वन के फॉर्म में। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ जीरो और वन के मध्य इतना सब कुछ कैसे सेव हो रहा है भाई, मतलब इतने बड़े बड़े वीडियोस, गेम, ये सब कैसे सेव हो रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसके लिए हम बहुत सारे जीरो और वन को एक साथ स्टोर करते हैं। कैसे? चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए अगर हमें अपनी हार्ड ड्राइव में अल्फ़ाबेट ए को सेव करना हो तो ये किस तरह से सेव होगा, मतलब हार्ड ड्राइव के पर्सपेक्टिव से कि वो किस तरह से समझेगा कि हम ए का। देखिए, एक लेटर एक बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बाइट मतलब 8 बिट। टू बी प्रिसाइज, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया कि हार्ड ड्राइव में अगर कैपिटल ए को सेव करना है तो वो कुछ इस तरह से हार्ड ड्राइव हमारा समझेगा कि हम लोग ए का इनपुट दे रहे हैं, कैपिटल ए का। और जहाँ तक बात है कि एक नॉर्मल कैमरा से हम लोग जो फ़ोटो क्लिक करते हैं वो भी 2 MB की होती है, आजकल मोबाइल की फ़ोटोज़ 2 MB की होती हैं। तो मतलब हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो भी उसे बाइनरी फॉर्मेट में ही सेव करती है। तो आपको पता है कितने बिट्स में वो मतलब समझती है कि एक फ़ोटो का इनपुट हम लोग दे रहे हैं? 1,60,00,000 बिट्स में वो एक अप्रॉक्सीमेटली 2 MB की फ़ोटो को सेव करता है। सोचिए इतने सारे जीरो और वन, कतई कहर है भाई, कितना संभालता होगा पता नहीं। अब अगला सवाल ये है, हार्ड ड्राइव की वर्किंग को समझना पड़ेगा। और वर्किंग को समझने के लिए हमें हार्ड ड्राइव के कुछ एसेंशियल पार्ट्स को, मतलब मेन कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। देखा जाए तो हार्ड ड्राइव में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पार्ट्स भी होते हैं, पर हर पार्ट को यहाँ मेंशन कर पाना मुश्किल है। और दूसरी बात, हम लोग कुछ 5 पार्ट्स के थ्रू बेसिक हार्ड ड्राइव की वर्किंग समझ सकते हैं। तो मैं वो 5 पार्ट्स गिनाता हूँ। पहला पार्ट होता है मैग्नेटिक प्लेटर। इसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और ये एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होता है। दूसरा होता है रीड राइट हेड। ये एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो रीड राइट आर्म के आगे लगा हुआ होता है और प्लेटर के ऊपर मूव करता है, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या डेटा को फेच करने के लिए। तीसरा है रीड राइट आर्म। ये रीड राइट हेड के पीछे का हिस्सा होता है, दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं। चौथा होता है एक्यूरेटर, इसकी मदद से रीड राइट आर्म घूमता है। और पांचवा होता है स्पिंडल। स्पिंडल को आप एक मोटर की तरह समझ सकते हैं जिनकी वजह से वो जो प्लेटर्स, जो हमारी सर्कुलर डिस्क हैं, वो रोटेट करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम वर्किंग समझ सकते हैं। सो अगर बेसिक हार्ड ड्राइव की वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो हार्ड ड्राइव को मैग्नेटिक स्टोरेज भी कहा जाता है क्योंकि हार्ड ड्राइव की वर्किंग के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बहुत यूज़ किया जाता है। वेल, ये तो मैंने एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे दी, पर अगर आप बात करें हार्ड डिस्क की तो इसमें कई सर्कुलर डिस्क होती हैं जिसको हम प्लेटर कहते हैं,
जो बना होता है मोस्टली एल्यूमिनियम या फिर ग्लास से, मोस्टली एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। इन एल्यूमिनियम प्लेट्स में निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम की कोटिंग की जाती है जिससे उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएं, और बाद में इसमें कार्बन की कोटिंग की जाती है जिससे हार्ड ड्राइव पे कोई नुकसान ना पहुंचे डेटा के लेन देन के वक्त, और साथ ही साथ सरफेस स्मूथ भी हो। लेटर का मेन काम होता है घूमना और डेटा स्टोर करना। बाय द वे, प्लैटर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तेज़ी से घूमता है। मतलब स्पीड, आपने कई बार सुना होगा कि आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है 5400 RPM, 7200 RPM, तो ये एक्चुअली में उसकी स्पीड है। अगर मैं आपको बताऊं तो लैपटॉप, मतलब जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी तीन वेरिएंट्स आते हैं। आजकल तो दो ही आ रहे हैं, पहले तीन आया करते थे। पहला होता है 3600 RPM। 3600 RPM का मतलब होता है कि उस हार्ड ड्राइव में जो प्लैटर लगा हुआ है वो 1 मिनट में 3600 बार रोटेट करता है। दूसरा होता है 5400 RPM, इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में वो प्लैटर 5400 राउंड्स रोटेट करता है। और 7200 RPM तीसरा वाला वर्जन है जिसमें एक बार में एक प्लैटर 7200 बार रोटेट करता है। कतई फ्लैश की तरह भागता है भाई। बाय द वे, 3600 RPM की जो हार्ड ड्राइव है ये बहुत पुरानी है, और अगर आपका लैपटॉप 15 साल पुराना होगा तो ही हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव 3600 RPM की हो, वरना 5400 RPM एक स्टैंडर्ड बन चुका है। और अगर कोई लोग कुछ लोग अपग्रेड करते हैं अपने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव को, या कुछ महंगे मॉडल्स में 7200 RPM दिया जाता है। इसके बाद भी कुछ वेरिएंट्स आते हैं जैसे 10800 RPM, पर मोस्टली उनको यूज़ नहीं किया जाता, कंपनी फिर डायरेक्टली आपको SSD में अपग्रेड कर देती है। और आजकल ये ट्रेंड सा हो गया 5400 RPM का। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लैटर का दो काम होता है, एक तो घूमना, दूसरा डेटा स्टोर करना और डेटा देना। मतलब स्टोर भी यही करता है, और जब डेटा फेच किया जाता है तो इसी के थ्रू किया जाता है। तो जो ये प्लैटर होता है ये बहुत तेज़ी से घूमता है, और आप इसे हार्ड ड्राइव का दिमाग समझ सकते हो, क्योंकि जैसे इंसान के दिमाग के अंदर सब कुछ स्टोर होता है, तो हार्ड ड्राइव में भी सब कुछ प्लैटर के अंदर ही स्टोर किया जा रहा है। अब क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है, इसे करने के लिए प्लैटर में ज़्यादा से ज़्यादा 0 या 1 का स्टोर होना ज़रूरी है। और इसके लिए इस प्लैटर को बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक ग्रेन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, काट के नहीं, मतलब बायोलॉजिकल लेवल में ऐसा किया जाता है जिससे डेटा स्टोर हो सके। इन्हीं मैग्नेटिक ग्रेन्स में हमारे 0 या 1 को स्टोर किया जाता है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में एरियल डेंसिटी कहा जाता है। वो कपड़े धोने वाला एरियल नहीं कि दाग साफ, एक टर्म है एरियल डेंसिटी। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कितने ज़्यादा बिट्स को स्टोर कर सकते हैं 1 स्क्वायर इंच में। 2015 की जो एवरेज हार्ड ड्राइव मिला करती थी कंज्यूमर लेवल पे, उसमें ये वैल्यू 600 GB पर स्क्वायर इंच थी, जो आज अप्रॉक्सीमेटली 1 TB पर स्क्वायर इंच हो चुकी है। कम से कम एक्यूरेट डेटा मुझे अभी नहीं मिला है, अगर आप में से किसी को मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। इस पूरी बात का समरी अगर देखा जाए तो बात का लुबे लुबाव इतना है कि जितना ज़्यादा हमें हार्ड ड्राइव की स्टोरेज मिल रही है, हमें डायरेक्टली समझ लेना चाहिए कि उतनी ही ज़्यादा उस हार्ड ड्राइव की एरियल डेंसिटी है। एक फ़न फैक्ट की भी बात मैं आपको बता देता हूँ इधर, कि जो एरियल डेंसिटी मैंने आपको अभी आपको बताई ना 2015 की एवरेज कंज्यूमर ड्राइव की, ये IBM ने जो फर्स्ट हार्ड ड्राइव लॉन्च की थी 5 MB की, उससे 300 मिलियन ज़्यादा है। और IBM की जो पुरानी हार्ड ड्राइव थी ना, वो कतई कमरे जैसी दिखती थी भाई, ऐसी दिखती थी। अब हार्ड ड्राइव्स में एक प्लैटर नहीं होता, मल्टीपल प्लैटर्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। और जो प्लैटर होता है ये स्पिंडल की मदद से घूमता है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था। और ये इतनी तेज़ी से घूमता है कि रीड राइट आर्म भी अलग अलग डायरेक्शंस में इसी को रीड करने के लिए मूव करता है, क्योंकि ये जो प्लैटर है उसे हमने डिवाइड किया है अलग अलग सर्कुलर ट्रैक्स में, और बाद में उन ट्रैक्स को हमने डिवाइड किया है सेक्टर्स के फॉर्म में। वो जो मैंने आपको मैग्नेटिक ग्रेन्स का एग्जाम्पल दिया था वो एक एग्जाम्पल था, पर अगर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में आप बात करेंगे तो हार्ड ड्राइव की जो हम लोग डिवीजन करते हैं वो सेक्टर्स में करते हैं।
सो इसी की मदद से हम ये लोकेट कर पाते हैं हमारा डेटा कहाँ पे सेव करना है, कहाँ से रीड करना है। ये प्लैटर्स छोटी कैपेसिटी के हार्ड ड्राइव्स में एक ही होता है, पर बड़ी कैपेसिटी के हार्ड ड्राइव्स में मल्टीपल प्लैटर्स मिलते हैं, और हर प्लैटर के लिए हमें दो रीड राइट हेड मिल जाते हैं। एक प्लैटर के ऊपर की सरफेस के लिए होता है, दूसरा नीचे की सरफेस के लिए। और ये रीड राइट हेड भी काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं डेटा को स्कैन करने के लिए प्लैटर के ऊपर। और ये स्कैनिंग एक वॉइस कॉइल की मदद से हो पाती है, जो इस रीड राइट आर्म के पीछे लगी हुई होती है, जिसे आप एक मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ये रीड राइट आर्म इतनी प्रिसाइजली डेटा रीड या राइट कर पाता है। ये रीड या राइट करने का काम जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से होता है। और ये जो रीड राइट हेड होता है ना, ये कभी भी प्लैटर को टच नहीं करता है। अगर इसने धोखे से भी प्लैटर को टच किया तो आपकी हार्ड ड्राइव स्वाहा हो जाएगी, मतलब करप्ट हो जाएगी। प्लैटर की सरफेस में कभी भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और अगर आपकी हार्ड ड्राइव डैमेज हो रही है तो इसका एक ये भी अर्थ हो सकता है कि प्लैटर ने को कभी ना कभी रीड राइट आर्म ने टच कर दिया, रीड राइट हेड ने। सो इस वजह से रीड राइट आर्म की कोशिश यही होती है कि जितना भी नज़दीक हो सके उतना नज़दीक से प्लैटर के ऊपर से डेटा को स्कैन करे। और आज की डेट में मैं अगर आपको बताऊं तो ये डिस्टेंस 10 नैनोमीटर से भी कम है। और अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि हार्ड ड्राइव का डेटा जो हम लोग सेव कैसे कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे कंप्यूटर से या लैपटॉप होते हैं ये बाइनरी ही समझ सकते हैं, यानी 0 और 1। सो इस केस में जब भी हार्ड ड्राइव कुछ सेव करता है तो वो 0 मतलब डीमैग्नेटाइज सेक्टर के फॉर्म में करता है, और 1 मतलब मैग्नेटाइज सेक्टर के फॉर्म में होगा। डीमैग्नेटाइज सेक्टर को मतलब ये होता है कि उस पार्ट में, उस सेक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर दिया जाता है अगर पहले से है, अगर नहीं है तो उसे टच नहीं किया जाता है और उसे 0 की तरह ट्रीट किया जाता है। और 1 जहाँ पे स्टोर करना होता है उसे मैग्नेटाइज सेक्टर किया बनाया जाता है। मैग्नेटाइज सेक्टर मतलब उस सेक्टर को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे दी जाती है। अब ये तो हो गई एक बेसिक ओवरऑल वर्किंग, पर कुछ और भी सवाल है जिनका जवाब पाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हार्ड ड्राइव में आखिर पावर न होने के बावजूद डेटा कैसे सेव रहता है, मतलब कैसे रह पाता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स को ही क्यों यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव की वर्किंग के लिए। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटाइज करते हैं सेक्टर को या डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो क्यों करते हैं? कोई और भी तो इतने सालों में कुछ ना कुछ तो और आया होगा कि हम लोग इसे उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अलावा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मैग्नेटिक डेटा बिना पावर के भी सस्टेन कर सकता है, मतलब कि अगर आपने डिवाइस की पावर बंद कर दी तो भी उसमें डेटा रहेगा। और मैग्नेटिक डेटा को बहुत इजीली इरेज भी किया जा सकता है बिना हार्ड ड्राइव के प्लैटर्स को नुकसान पहुंचाए। इस वजह से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव की फंक्शनैलिटी में। एक और सवाल ये भी हो सकता है कि हार्ड ड्राइव की साइज़ इतने टाइम में इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है। हार्ड ड्राइव की साइज़ से मेरा मतलब फिजिकल साइज नहीं, कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, जो मतलब 1 TB 2 TB जो आ रहा है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा। अगर बात की जाए 90s की, तो 90s के टाइम पे 60 GB की जो हार्ड ड्राइव होती है वो बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव मानी जाती थी। उस टाइम पे विंडोज़ भी, मतलब विंडोज़ XP और ये सब 1 GB के अंदर के हुआ करते थे। और अगर आज की बात करें तो स्टोरेज के नाम पे 1 TB और 2 TB तो बहुआ के खिलौने जैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई कि मतलब स्टोरेज चीप भी हो रहा है और इतनी स्टोरेज साइज़ भी बढ़ रही है। इसका जो मेन कारण है कि जो स्टोरेज साइज़ हमारी बढ़ती जा रही है, उसका मेन कारण ये है कि रीड राइट हेड और प्लैटर्स की साइज़ का कम होना। मैंने आपको IBM की पुरानी हार्ड ड्राइव की फ़ोटो दिखाई थी, उस टाइम पे जो उसके रीड राइट हेड जो हुआ करते थे और प्लैटर वो बहुत बड़े थे। पर अब की जो हार्ड ड्राइव होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे प्लैटर्स का यूज़ किया जाता है और बहुत छोटे रीड राइट हेड का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कम साइज़ में, मतलब कम फिजिकल साइज़ में भी ज़्यादा कैपेसिटी को अचीव कर पाते हैं। दूसरा सवाल, हार्ड ड्राइव को ये कैसे पता चलता है कि कहाँ स्पेस फ्री है और कहाँ फ्री नहीं है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फाइल सिस्टम की मदद से ऐसा पॉसिबल होता है। अब फाइल सिस्टम खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आगे से कवर करूँगा कभी आने वाली वीडियोस में, और जब भी कवर करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में इसके लिए लिंक ऐड कर दूँगा और एंड स्क्रीन में भी, और एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। फिलहाल समरी में आपको बताता हूँ। तो फाइल सिस्टम की मदद से ऐसा पॉसिबल होता है क्योंकि ये इसका काम ही होता है मैनेज करना पूरे स्टोरेज को। अगर एक एग्जांपल बोलूँ
कॉमन एग्जांपल बोलूँ फाइल सिस्टम का, तो जो हम लोगों ने FAT सुना है, NTFS सुना है, ये सब कॉमन आप विंडोज़ में सुनते रहते होंगे, ये फाइल सिस्टम के ही फॉर्मेट्स हैं। HFS भी एक पॉपुलर फॉर्मेट है। इनसे हमें ये पता चलता है कि कहाँ स्पेस फ्री है, कहाँ भरी हुई है, कैसे रीड करना है या राइट करना है, और इसी तरह से हम डेटा को रिकवर कर पाते हैं या स्टोर कर पाते हैं। और एक और सवाल, जो लास्ट सवाल मेरी नज़र में आता है, ये हो सकता है कि हार्ड ड्राइव की जो साइज़ होती है, मतलब अब यहाँ पे मैं फिज़िकल साइज़ की बात कर रहा हूँ, फॉर्म फैक्टर की, वो इतने सालों में इतनी छोटी कैसे हो गई? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरानी जो सबसे पहले IBM की 5 MB की हार्ड ड्राइव आई थी, वो कतई कमरे जैसी बड़ी थी, मतलब आज के सुलभ शौचालय से तो बड़ी ही थी। पर आज के डेट में जो हार्ड ड्राइव आती है, वो 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आती है लैपटॉप्स के लिए। तो इतना ज़्यादा रिडक्शन कैसे हो सकता है किसी साइज़ में? सो इसका एडवांसमेंट भी जो हुआ है, एक तो ये कारण हो गया कि प्लेटर्स और रीड राइट हेड की साइज़ बहुत छोटी हुई है, पर इस ये भी कैसे छोटी हुई है? तो इसका एक आपको मैं कारण बताता हूँ। ये जितना भी एडवांसमेंट हुआ है, वो एक प्रोसेस के कारण हुआ है, जिसका नाम है थिन फिल्म लिथोग्राफी प्रोसेस। इसकी वजह से इंजीनियर्स ने रीडर और राइटर की साइज़ को गजब के तरीके से कम कर दिया, और आज की जो इतनी छोटी छोटी हार्ड ड्राइव्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसी की वजह से हम यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि समय के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी डिस्कवरीज हुई हैं, इस वजह से छोटी साइज़ के बावजूद जो रीड राइट हेड की सेंसिटिविटी है, वो बढ़ गई है, और साथ ही साथ प्लेटर्स में, मतलब लिमिटेड साइज़ में डेटा 0 और 1 को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, जिस वजह से फॉर्म फैक्टर काफ़ी छोटा होगा। सो मेरे ख्याल से तो मैंने लगभग सब कुछ हार्ड ड्राइव के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और नहीं पसंद आई हो तो भी लाइक कर दो, मेहनत को देख के ही लाइक कर दो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।